ए गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज का ब्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। और यहाँ पर ना मैं पोछा लगा दी हूँ, और पोछा लगाने के बाद पोछा लगा रही हूँ इधर साइड का, और झाड़ू वाड़ू मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी है, और कपड़े वगैरह मैं छत पर डाल आई थी। और यहाँ पर देखिए दिया ना उधम मचा रही है, साइड से लेट कर खेल रही है। और आप लोग बताइएगा कि मैंने कमरा ऐसा सेट करा है, क्योंकि अपनी मेहनत से तो काफ़ी अच्छा सेट कर दिया है मैंने। और वैसे जितनी स्पेस है उस हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छा इस सेट करा हुआ है। और यहाँ पर मैं ना छत मैंने पोंछे को वॉश करने गई हूँ बाहर, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं बाल्टी ले आई हूँ। ये बाल्टी है ना मेरे साथ जो और रेंट पर रहती हैं उन वाली दादी की है, तो मैं यहाँ पर है ना पोछा लगा दूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि वाइट पत्थर पर अगर पैर बन जाए ना तो बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। वैसे सीमेंट वाले पलस्तर पर नहीं दिखेंगे, बट वाइट वाले पत्थर पर बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। और इस वाले कमरे में तो बहुत जल्दी गंदगी आती है, क्योंकि एकदम मेन बाहर की तरफ पड़ता है, और सामने है ना काफ़ी सारी लेबर वगैरह रहती है इस वजह से। तो यहाँ पर है ना काफ़ी जल्दी जल्दी वो गंदा होता है। ऐसे गेट वगैरह आपको दिख रहा होगा, जितनी भी धूल वगैरह होती है तुरंत इस वाले रूम में बहुत जल्दी से आ जाती है। तो यहाँ पर है ना मैं अभी इधर साइड का पोछा लगा के फिर इधर का पोछा लगाऊंगी। और मैं बाल्टी में पानी इसलिए भर रही हूँ ताकि मुझे बार बार बाहर धोने ना जाना पड़े, तो मैं यहाँ पर ही धो लूँ। तो इस वजह से मैं बाल्टी में पोछा लेकर आई हूँ। और इसके बाद मुझे ना छत पर भी जाना है, थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं कपड़े लेने जाऊँगी छत पर। और थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, थक जाते हैं सुबह शाम तक इस वजह से। तो यहाँ पर रेस्ट करने के बाद मैं फिर आप लोगों से कुछ बातें करूँगी, जो कि बहुत ज़रूरी है और आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हर बात शेयर करती हूँ। और जिसको पसंद नहीं आए, जिसको अच्छी नहीं लगे, तो वो अपना टाइम वेस्ट ना करे और छोड़ सकता है। जिसको जिसको जहाँ अच्छा लगे वो वहाँ देगी, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है कि आपको अच्छा लगे तभी देखो। अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी सिंपलसिटी अच्छी लगती है, मेरी ऑनेस्टी अच्छी लगती है, तो आप लोग देख सकते हैं। और कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, दीदी आपके हस्बैंड कहाँ हैं, हस्बैंड कहाँ हैं, हस्बैंड कहाँ हैं। तो पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता दूँ, पहली बात तो ये कि मेरे हस्बैंड कैमरे में आना पसंद नहीं करते, अभी भी नहीं, पहले भी नहीं करते थे। ये नहीं कि वो यहाँ पर ही नहीं करते, वो पहले भी नहीं करते थे। सब लोगों को पता है, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो लोग जानते हैं मेरे हस्बैंड को नहीं है पसंद कैमरे में आना, तो उनको ज़बरदस्ती तो मैं लेकर नहीं आऊँगी। दूसरा नंबर ये है कि वो रात में आते हैं, सुबह चले जाते हैं। और देखो वो दुकान खोलते हैं तो दुकान का जो हिसाब वगैरह होता है वो करने के लिए वो अपने माँ के घर पे चले जाते हैं, तो वो वहीं से नहा कर आते हैं, नहाकर मंदिर करके आते हैं, ठीक है, वहीं से नहा धोकर मंदिर करके आते हैं। तो वहाँ पर ही उनके कपड़े हैं, यहाँ पर उनके कपड़े हैं नहीं। एक्चुअली में जो भी होगा अब तो कोर्ट में होगा, कोर्ट में 2 महीने आप लोग वेट करिए, जो 2 महीने वेट करने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या बोलता है जज। यही बात मुझे भी उन लोगों से बोलनी है कि ये कौन सा तरीका होता है कि आपके बीवी बच्चे यहाँ नहा रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, और आप दूसरे घर में एंजॉय कर रहे हो, इन्वेटर का फुल मज़ा ले रहे हो, अच्छी तरह रह रहे हो, और हम किराए के घर में रह रहे हैं। ये सब बात अब मुझे भी बोलनी है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ही बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लगता है ये सब, क्योंकि ये सब हो तो मेरे साथ रहा है ना, आप लोग तो सिर्फ देख रहे हो, ठीक है। तो बुरा हो रहा है तो मुझे भी पता है यार ये बुरा हो रहा है, लेकिन मैं अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कोर्ट का, इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग कोर्ट में जो भी फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। तो यहाँ पर मैं चावल बना रही हूँ, चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रई, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, नहीं सॉरी नमक नहीं डाला अभी मैंने, यहाँ पर डाला है मिर्च और धनिया पाउडर। और इसके बाद मैं यहाँ पर चावल ऐड कर दे रही हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर नमक ऐड करके मैं टमाटर और शिमला मिर्च मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, और इसको मैं ढक के रख दूँगी, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, बस थोड़ा सा, देखिए मेरी उंगली बस उतना ही ऐड करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करूँगी।
तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर में। और मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि वो पहले भी मेरे कैमरे में नहीं आते थे और अब भी वो कैमरे में नहीं आते। आई डोंट नो क्या है, क्योंकि देखिए किसी के पेट की बात हम लोग नहीं जान सकते, हम लोग वो आपसे जो बोल देगा वही जानेंगे। तो आप लोग जो क्वेश्चन मेरे से कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत दिनों से है और उसका ही तो मैं सॉल्यूशन लेने के लिए अब इतनी 2 साल से मैं 4 साल से मैं सहन कर रही थी, पेशेंस रख रही थी, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे इंसान, कल सुधर जाएंगे, पेशेंस रखती हूँ। लेकिन पेशेंस भी कब तक रखा जाता है, जब तक इंसान उम्मीद रहे तब तक, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। लेकिन उम्मीद जब टूट जाती है ना तो इंसान को कहीं ना कहीं दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो जो भी बात है वो कोर्ट में ही होगी और मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि जब मैं आपको इतनी सारी बातें बता रही हूँ तो, और ये शादी, और एक बात बताइए, कुछ लोगों का माइंड इतना चलता है कि कुछ पूछ ही नहीं है। तो चलिए मैं यूट्यूब पर हूँ, मेरी जिठानी तो यूट्यूब पर नहीं है, तो उनके साथ क्या हुआ, थोड़ा दिमाग चला कर बोला करिए। थोड़ा दिमाग अगर नहीं है तो मत लगाइए इतना, और अगर है तो लगाइए, तो दिमाग सही तरीके से लगाइए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे शिमला मिर्च बनानी है तो मैं उसके लिए यहाँ पर टमाटर और शिमला मिर्च कट कर रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर है ना, और एक बात बता दूँ, मैं सच बोलती हूँ तो मुझे डर किसी बात का नहीं है, किसी का भी डर नहीं है, ठीक है। चाहे मैं यहाँ बोल दूँ, चाहे मैं उनके मुंह पर बोल दूँ, चाहे मैं सबके सामने बोल दूँ, मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलती। जैसा उन्होंने किया है वैसा ही मैं बताती हूँ, क्योंकि जब उन्होंने किया उनके आँखों में शर्म नहीं आई कि मैं क्या कर रही हूँ, वो भी दूसरे की बेटी है, मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ, तो मुझे बोलने में किस बात की शर्म। मैं नहीं झिझकती हूँ ना मैं शर्माती हूँ, ठीक है। और आज तक मैं 2 साल से यूट्यूब पे आई, उससे पहले मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बताती थी, कुछ भी नहीं बताती थी, उनको प्रॉब्लम नहीं दे रही थी, ये सोच के छोड़ दे रही थी कि उनको तकलीफ़ क्यों दूँ शादी के बाद। तो लेकिन ये लोग नहीं सुधरे, इनका दिन पर दिन टॉर्चर बढ़ता गया, दिन पर दिन टॉर्चर बढ़ता गया, झूठ बोलना, गलत काम करना, करवाना, बहुत सारे इनके काम बढ़ते गए। लेकिन लेकिन अब सीमा सिर से अब पानी सिर से ऊपर चला गया। जब ये लोग करती हैं ऐसा गलत काम तो ये सुनेंगी भी यही, और कोई नहीं सुनेगा। जब इन्होंने गलत काम करे हैं तो यही सुनेंगी, और इनको पता भी तो चलना चाहिए कि कैसे जब इंसान सही होता है तो उसको गलत साबित करती हो तो तुम्हारे साथ कैसा होगा। और भगवान देख रहा है, जैसा करेंगी वैसा भरेंगी, उससे डबल भुगतेंगी। तो यहाँ पर मैंने घी डाला है, एक्चुअली में तेल था नहीं तो मैंने घी डाल दिया है, और यहाँ पर हींग और लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर ये ऐड कर दी हूँ, और इनको अच्छी तरह से भूज रही हूँ। और यहाँ पर मैं शिमला मिर्च और टमाटर जो मैंने कट की थी वो ऐड कर दे रही हूँ, और इसको मैं बनने रख दूँगी। और अब मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ ना, मेरी तबीयत सही नहीं है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, और आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि थोड़ी थकी थकी सी आवाज़ लग रही है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर नमक ऐड कर दे रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको ढक दूँगी। तो गाइज़ आप लोग ज़रूर बताना कि मैं झूठ नहीं बोलती तो मैं डरूँ क्यों, लेकिन मैंने आज तक बहुत डरी, लेकिन अब डरने की बात नहीं, क्योंकि अब बात चलेगी कोर्ट में। तो अब मैं कोई भी बात ना तो झूठ बोलूँगी और ना डरूँगी, क्योंकि मैंने कोई गलती की नहीं है। तो हे गाइस गुड आफ्टरनून, और अभी समय हो रहा है 2:30 बज रहा है, मतलब 2:30 हो रहा है, और मैंने ना यहाँ पर शिमला मिर्च वगैरह बनाने रख दी है, और चावल दिया गया था तो चावल बनाने रख दिया। कोई एक्चुअली में कोई सब्जी नहीं थी, मैं वेट कर रही थी सब्जी आए, बट कोई नहीं। और उसके बाद आप लोगों को दिल की बात बताऊं तो मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम आप लोग कह रहे थे ना कि आप जैन समाज से कीजिए, रिश्तेदारों से कीजिए, तो हमारी ये जैन समाज होती है ना, वो इकट्ठी होकर पंचायत रखती है। तो हम लोग मेरे पापा से बोला कि हम पंचायत रखेंगे, तो मेरे पापा ने कहा ठीक है, क्योंकि मेरी बेटी की तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने पंचायत रखने के हाँ बोले। लेकिन मेरे ससुराल वाले एग्री नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लोग गलत हैं, और पहले भी उन लोगों को वो लोग गलत ही थे, आज भी गलत है, तो वो लोग एग्री नहीं हो रहे, क्योंकि जिसकी गलती होती है ना वो कभी नहीं चाहता कि मेरी गलती एक्सपोज हो। तो वो लोग इकट्ठा, मतलब मेरे ससुर यार जाने कैसे अपने बेटे का परिवार बर्बाद करने में तुले हुए हैं, और मेरी सास से यार कैसी हैं, रख क्या बाथरूम में, चलो रख क्या बाथरूम में। तो और अभी देखो मैं यहाँ पर है ना, कपड़े है ना वो सेट कर रही थी,
और आप लोगों से बात कर ली है ना, मैं वही तो मैं कह रही हूँ कि वो लोग किसी भी तरीके से, क्योंकि वो चाहते नहीं है, पता नहीं क्या, वो तो नहीं चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे उनसे क्या मतलब, मुझे तो अपने हस्बैंड से मतलब है, उन्हें तो देखना चाहिए कि मेरी छोटी सी बेटी है, बीवी है, अच्छी तरह रहे, पता नहीं क्या मेरी किस्मत में क्या लिखा था, पता नहीं इतना कुछ करा मेरे पापा मम्मी ने, फिर भी चलिए बात नहीं कर सकती, मुझे रोना आ रहा है, बाद में बात करूँगी आप लोगों से, बोल भी नहीं पा रही हूँ, बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो चलिए फिर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और अभी समय हो रहा है 11 बजने वाले हैं, और दिया लेके आई चॉकलेट, एक ये डस्टबिन में डाल के आना, ठीक है। तो दिया लेके आई चॉकलेट, दिया आई है अभी स्कूल से, मैं लेके आई हूँ, इसे आपको दिख रहा होगा मैं कपड़े चेंज की हुई हूँ, दिया स्कूल से लेके आई चॉकलेट, और मुझे, मैं गई थी ट्रेडिंग बनवाने देखने कि अगर शॉप खुल रही हो तो बनवा लूँ, या मेरी फ्रेंड की शॉप है वहाँ पर थोड़ा हो जाता है, तो इसी वजह से मैं वहाँ गई थी, लेकिन वो बंद थी, तो अब दुकान खुली नहीं है, तो कोई बात नहीं है। और पता है कल क्या हुआ, मेरा एक बंदर है ना, कुर्ती पूरी फाड़ गया, पूरी फाड़ गया, आपको दिखाती हूँ, वो कुर्ती है ना, क्या है, पूरी फाड़ के गया है, शायद मैंने फेंक दी है, पता नहीं है कहाँ है, दिख नहीं रही है, पर वो कुर्ती पूरी बंदर फाड़ गया है मेरी, बहुत मतलब होता ना, एक नुकसान हुआ जा रहा है। और यहाँ पर मुझे अभी खाना बनाना है, हाँ ये रही है कि नहीं है, चलो ठीक है, मैं आपको दिखा तो दूँगी, नहीं तो फिर कुछ लोग इस पर भी बोलेंगे, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी। तो देखिए ये पूरी जो मेरी न्यू कुर्ती थी, आपने देखी होगी, मैं लेके आई थी, देखिए पूरा छेद हो गया ये, और इस तरीके से ये देखिए पूरा छेद हो रहा है, कई जगह से फाड़ गए, मतलब नई कुर्ती मेरी पूरी तहस नहस कर रहे हैं। और एक आप लोगों को पता ही है कि मैं ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदती हूँ, बहुत ही कम खरीदती हूँ, और ज़्यादा शॉपिंग वगैरह भी नहीं करती हूँ, करती हूँ तो इतना नहीं करती हूँ, क्योंकि एक ही बार लेती हूँ, फिर बार बार नहीं लेती हूँ। तो अभी ली थी मैंने 4 कुर्तियाँ आपको दिखाई थी, लेकिन अब वो मेरी कुर्तियाँ फाड़ गया बंदर, तो मुझे अब कुर्ती लेनी पड़ेंगी, एक दो तो लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये कुर्तियाँ ना थोड़ी सी टाइट हो गई हैं, तो इसी वजह से मुझे लेनी पड़ेंगी। ये सही थी मेरी कुर्ती, न्यू थी और सही थी, लूज थी, तो ये बंदर फाड़ गया। तो चलिए फिर मैं दिया की ड्रेस वगैरह उतार देती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से। तो गाइस यहाँ पर मैंने ना, मुझे बनाना है खाना, और यहाँ पर खाना बनाने से पहले मुझे बर्तन वगैरह धुली थी, तो बर्तन लगा रही हूँ, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, और ये नेक्स्ट डे तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर बर्तन वगैरह लगा रही हूँ, दूध गर्म कर रही हूँ दिया को देने के लिए, दिया दूध मांग रही है इसलिए, और जितने भी मैंने बर्तन धुले थे वो बर्तन यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ। और हाँ, एक कमेंट आया था, दीदी आपने ये बर्तन वाली टोकरी कितने की ली थी, तो मैं 90 रुपीज़ की ली थी, और यहाँ पर ये इतने की ही मिल जाती है लोकल मार्केट में, कुछ चीज़ महंगी मिलती है कुछ सस्ती मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि सभी चीज़ सस्ती मिले, कुछ तो महंगी मिलती है कुछ सस्ती मिलती है, फिर क्वालिटी क्वालिटी का भी फ़र्क होता है। ये थोड़ी बहुत हल्की है, ये बहुत हल्की है टोकरी, और थोड़ी सी भारी जो आती है ना, वो जो होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। और यहाँ पर मैं सामान निकाल रही थी, ये जो फ़ैन ही है ना, ये मेरा सैमरी है ना, ये मेरे पापा देकर गए थे, आए थे उस दिन, तो सैमरी फ़ैन ही और कई सारा सामान वो देकर गए थे, फल वगैरह बहुत सारा सामान देके गए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि आज सैमरी दिया बोल रही सैमरी बनाने की, तो मैं इसको भूंज दे रही हूँ, थोड़ा सा फ्राई कर दे रही हूँ ऐसे ही, कुछ लोग घी डाल के करते हैं, मैं तो ऐसे ही करूँगी, खाली कढ़ाई गरम करके और उसमें सैमरी डाल दूँगी थोड़ी सी, और उसको रोस्ट कर लूँगी, और रोस्ट करने से क्या होगा, जब तक इसमें स्मेल आने लगेगी और ये ब्राउन ब्राउननेस होने लगेंगी, स्लो पर करनी है आपको, ताकि अंदर तक पक जाए इसको, और मैं इसे चलाती रहूँगी जब तक ये अच्छी तरह से पक नहीं जाती है। तो जैसे ही पक जाएंगी वैसे ही मैं इसको निकाल लूँगी, और काफ़ी देर तक चलानी होती है ये, जब तक अच्छी तरह से पक नहीं जाए। और मेरे पास, मेरे पीछे खड़ी है दिया, जो बार बार पूछ रही है मम्मी कितनी देर में बनेंगी कितनी देर में बनेंगी, तो बस इसी वजह से तो मैं यहाँ पर थोड़ी और ऐड कर दे रही हूँ कि भूंज के रख दूँगी, उसके बाद मैं बना लूँगी। तो फिर यहाँ पर मैंने पैकेट रख दी है,
वापस से सामान लगा के रख दिया है ताकि सामान बार बार गिर जाता है ना यहाँ पर, और कहीं जगह भी नहीं है रखने के लिए इस वजह से। तो मेरे बहुत सारे मच्छर काट रहे हैं, तो मेरे हाथ पैरों में खुजली हो रही है, इसलिए मैं बार बार खुजा रही हूँ। और यहाँ पर मैं दाल बनने रख दे रही हूँ, और इधर मैंने वॉश कर ली थी, तो मैंने दाल बनने रख दी है। और इसमें मैं हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, और कुछ ऐड नहीं करना, हल्दी और नमक ही ऐड करना है मुझे। तो बस यहाँ पर मैं ऐड कर दे रही हूँ, इसको मैं बनने रख दूँगी। और जो मेरी सेमरी थी वो रोस्ट हो चुकी है, और इधर मैं आटा लगा दूँगी, आटा लगाने रख दूँगी और तो खाना बना के रख दूँगी। और बस यहाँ पर मैं आपके साथ व्लॉग यही शेयर करूँगी। और बस मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा साथ दो, मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है जो मैंने लिया है। क्योंकि मैं पाँच सालों से झेलती आ रही थी, हर बात झेली, हर बात मैंने हर तरह का डोमेस्टिक वायलेंस से झेला, हर तरह का मार पिटाई, बदनामी, झूठ बोलना, घर से निकालना, सड़क पर उठा उठाना, ये सब करना मैंने बहुत सहन करा। आज तक किसी ने कही, किसी से नहीं कही, मैंने माँ बाप से तक नहीं कही, लेकिन अब मैंने जो डिसीजन लिया है ना, वो डिसीजन मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, क्योंकि एक लड़की का अगर आप लोग लड़कियों के साथ नहीं देंगे तो फिर आपका धिक्कार है लड़की होने पर। वैसे मुझे पता है मेरी पूरी फैमिली से है, मेरी मतलब मेरी हेल्प करती है और मेरी वीडियो को शेयर करती है और मेरे मुझे सपोर्ट करती है, क्योंकि इस टाइम मुझे आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और हाँ, कई लोग बोलते थे कि मेरे हस्बैंड नहीं आते। देखिए, अगर मेरे हस्बैंड के साथ मेरा डाइवोर्स हो जाएगा तो मैं वो बात छुपाऊंगी नहीं, क्योंकि जब मैं इतनी सारी बात बता सकती हूँ तो वो इतनी सी बात बताने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी, और ना ही मैं जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं कोई बात छुपाऊँ क्यों। और मुझे पता है मैं सही हूँ, और मैं सही हूँ, इसीलिए मेरी पूरी फैमिली मेरा साथ दे रही है, मेरी समाज मेरा साथ दे रही है, मेरे साथ सभी लोग हैं। और मैं गलत होती तो मेरे साथ कोई भी साथ नहीं देता। तो फिर आप लोग झुकाइए मत, और आप लोग मेरे सहारा बने। वैसे आप लोग झुका नहीं रहे, मेरे सहारे ही बने, आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए दिल से थैंक यू। तो बस यहाँ पर मैं ना आटा लगा दी हूँ, और मैं इसको तवे को पहुँच कर और गैस को पहुँच कर खाना बनाने रख दूँगी। और यहाँ पर कुछ जो पराठे वो मैं सेक दूँगी। तो यहाँ पर मैं रिफाइंड का डिब्बा देख रही हूँ, रिफाइंड का डिब्बा निकाल के रख दी हूँ। और यहाँ पर बस अब मैंने पराठा बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो थोड़े से पराठे ही बनाऊँगी। पता है मैं थोड़ा थोड़ा कट करके हम लोग दिखाते हैं, ये नहीं कि आपको पूरा पूरा दिखाएं, इतना तो फ़ोन में ही मेमोरी नहीं होती कि हम लोग आप लोगों के साथ पूरा पूरा शेयर करें। तो कुछ लगाए थे, दो ही पराठे बनाए, ऐसा कुछ नहीं यार, अगर हम जितने भी बना रहे हैं आपके साथ वही शेयर करेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे। तो पराठे मैं बना के रख दूँगी। तो ये वीडियो यही एंड करती हूँ, आई होप आपको अच्छी लगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव।